किशनगंज करबला में बुलाकी वक्फ स्टेट के द्वारा निर्मित ईदगाह का चार दीवारी एवं गेट का निर्माण बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष जनाब इरशादुल्ला शहाब, जदयू प्रदेश उपाध्यक्ष पूर्व विधायक कोचा धमन मुजाहिद आलम, पूर्व मंत्री शाह जदयू जिला अध्यक्ष नौशाद आलम, बुलाकी वक्फ स्टेट के मुतवली मोहम्मद अयूब उर्फ मुन्ना द्वारा फीता काटकर किया गया। अंजुमन इस्लामिया वक्फ नंबर 1257 की जमीन कुतुबगंज हाट में निर्माणाधीन G+3 बहुउद्देशीय नवनिर्वाचित भवन निर्माण कार्य निरीक्षण किया। बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष श्री इरशादुल्ला खान साहब एवं जदयू प्रदेश उपाध्यक्ष पूर्व विधायक कोचा धमन मुजाहिद आलम, पूर्व मंत्री शाह जिला अध्यक्ष श्री नौशाद आलम, नवनिर्वाचित भवन का उद्घाटन ईद के बाद समारोह पूर्वक किया जाएगा। अंजुमन इस्लामिया वक्फ नंबर 1257 की जमीन कुतुबगंज हाट में मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण से संबंधित वार्तालाप हुआ। साथ ही निर्माणाधीन G+3 भवन के चार दीवारी में बार्ब्ड वायर के स्थान पर नुकीला ग्रिल का प्रोविजन एवं शेष भाग चार दीवारी का निर्माण कार्य का निरीक्षण किया गया। उपस्थित रहे बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष श्री इरशादुल्ला खान साहब, जदयू प्रदेश उपाध्यक्ष पूर्व विधायक कोचा धमन मुजाहिद आलम, जिला अध्यक्ष जदयू शाह पूर्व विधायक ठाकुरगंज नौशाद आलम, जिला अध्यक्ष छात्र जदयू शाह अधिवक्ता इंतशार आलम, अयूब आलम, नवाब रबानी, अंजार आलम, इकबाल अहमद, कमाल अहमद, अजमेरा चिंटू, तारिक तलहा, यूसुफ अजहर आलम, अरशद आलम एवं अन्य सभी सदस्य अंजुमन इस्लामिया वक्फ नंबर 1257 मौजूद रहे। बीएनपी न्यूज के लिए किशनगंज से संवाददाता चमन अली की रिपोर्ट। अंजुमन इस्लामिया जो मल्टीपर्पज बिल्डिंग बनाई है बनी है हमारे वजीर आला नीतीश कुमार, से पहली चीज तो यह है कि इसका देख रेख कैसे हो, इसके लिए कमेटी बनाई जाएगी। कुछ पदाधिकारी गण रहेंगे, कुछ वक्फ बोर्ड के अमला रहेंगे, कुछ मेम्बरान रहेंगे। इन लोग सारे लोग इसको, इसकी सुरक्षा, इसकी देख रेख, इसका मेंटेनेंस, इसलिए कि ये 10-10 करोड़ की बिल्डिंग बनी है तो इसका मेंटेनेंस कैसे हो लाएँ। और इसमें विवाह हॉल है, बच्चों के लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट है, किसी जायरीन के लिए ठहरने के लिए भी है, ये सारी चीज़ें हैं, सारी सहूलियात इसमें दी गई है। अब ये किशनगंज शहर में, किशनगंज ज़िले में ये पहला एक वाहिद मल्टीपर्पज में शादियात से लेकर के हर तरह का कॉन्फ्रेंस और मीटिंग कर सकते हैं, चाहे पार्टी की मीटिंग हो या मिल्ली मीटिंग हो, इसमें आकर के लोग कर सकते हैं। और हमारे जितने बच्चे हैं इसमें कोचिंग इंस्टीट्यूट प्लान किया जाएगा, इससे फैलिया सर ये